केक को आसान तरह से डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक ले लिया है और केक को मैंने दोस्तों घर पर बनाया है और आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी केक की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने थ्रेड लिया है। अगर आपके पास अच्छा वाला नाइफ नहीं है केक को बीच से कट करने के लिए तो आप इसे थ्रेड की मदद से भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर दूसरे की हेल्प लेनी है। इस तरह से दूसरा केक को पकड़ लेगा और थ्रेड की मदद से हम बीच से इस तरह से इसे कट कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा प्रोसेस हो जाएगा ये और थ्रेड से बहुत ही अच्छे से केक कट जाता है बीच से और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमने देखे यहाँ पर केक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ और भी केक की रेसिपी शेयर की है, तो अगर आपको केक बनाना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं केक बनाने की रेसिपी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने केक को कट कर लिया है बीच से इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ना बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर कट हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है शुगर सिरप, तो मैंने चीनी लिया है, चीनी पाउडर लिया था 1 चम्मच और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उन्हें घोल लिया है। और दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉफी केक बनाया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी मिलाया था, तो अगर आप कॉफी केक नहीं बना रहे या फिर नॉर्मल केक बना रहे तो आप यहाँ पर कॉफी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी यहाँ पर कॉफी पाउडर भी इसके साथ मिलाया है और इस शुगर सिरप को आप देख सकते हैं मैं बीच में इस तरह से लगा देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारा केक बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनता है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर शुगर सिरप जरूर लगाएं। तो शुगर सिरप आप देख सकते हैं अच्छे से लगा लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्रीम बनाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो क्रीम हमने पहले से बनाकर रखा है, तो अगर आपको व्हिप्ड क्रीम बनाना नहीं आता है या फिर अगर आपके पास क्रीम नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो इस तरह से मैंने आपको क्रीम बनाना बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये व्हिप क्रीम जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सेंटर में, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे अच्छे से केक पर हम अच्छे से इसका लेयर लगाएंगे। और दोस्तों इस व्हिप्ड क्रीम को मैंने बिना क्रीम के बनाया है, इस व्हिप क्रीम को मैंने चीनी से बनाकर रेडी किया और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के बनाया है। दोस्तों 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है, तो आप उस रेसिपी को जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप व्हिप क्रीम आपको बनाना नहीं आता या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह से व्हिप क्रीम बना सकते हैं, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच वाले लेयर पे अच्छे से लगा लिया है क्रीम को। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला लेयर हमने कट करके रखा था इसे ऊपर में लगा देते हैं और इसके ऊपर भी हम व्हिप क्रीम अपने लगा लेंगे, अच्छे से लगाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए अच्छे क्वांटिटी में आपको लेकर इसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में अच्छे से लगाने के बाद हम लोग जो साइड्स है ना वहां पर भी अच्छे से व्हिप क्रीम को लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा दोस्तों, बहुत ही इजी सा ये केक डेकोरेशन है दोस्तों। तो अगर आपके पास बेकिंग टूल्स नहीं है तो आप उसके बिना भी यहाँ पर केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस टेबल पे मैं रख के इसे टर्न कर रही हूँ कोई टर्निंग टेबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को ले लिया और उसके नीचे कटोरी रख लिया है एक और उसके मदद से मैं यहाँ पर टर्न कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है तो इस तरह से आप केक को बहुत इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर अपने केक को रखा है, आप चाहे तो प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं और उसके नीचे कटोरी रखकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से लगा लिया है केक के ऊपर क्रीम को और इसके बाद मैंने इसे 10 मिनट तक फ्रिज में मैं रख दूंगी ताकि अच्छे से इसके ऊपर वाला जो क्रीम का लेयर है वो सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसे दोस्तों दिखा रही हूँ, ये देखिए क्रीम का यहाँ पर जो लेयर है अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद मैंने छन्नी में कोको पाउडर लिया है और कॉर्नर्स में इस तरह से हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोको पाउडर आपको बहुत ही इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है, ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं कोको पाउडर को। अगर आप यहाँ पे कोको पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी को जस्ट ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप स्प्रिंकल कर दीजिए, तो उससे भी आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोको पाउडर को अच्छे से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है हर एक कॉर्नर्स में। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है चॉकलेट और दोस्तों यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया और उसके बाद पीलर से मैंने इस तरह से उन्हें आप देख सकते हैं ग्रेट कर लिया है, पील कर लिया है थोड़ा सा और इस तरह से मैंने यहाँ पर चॉकलेट बनकर तैयार हो गया। और दोस्तों मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो आप यहाँ पर कैडबरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किसी भी चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोस्तों चॉकलेट वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस तरह से भी सजाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए कॉर्नर्स पे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चॉकलेट लगा देती हूँ, इससे थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा हमारा केक।
दोस्तों ये चॉकलेट लगाने वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना इसके भी बना सकते हैं, उससे भी केक बहुत अच्छा बनेगा। तो सारे साइड्स पे इस तरह से देखिए मैंने चॉकलेट को लगा दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा तरह से मैंने इसे डेकोरेट किया है, बिना किसी बेकिंग टूल के हमने इसे डेकोरेट कर रेडी किया है, और बिना बेकिंग टूल्स के भी आप बहुत इजीली अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ना हमारा केक कितना अच्छे से डेकोरेट हो गया है। तो होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। इस यूजफुल वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।